क्वेश्चन नंबर थ्री। थर्ड नंबर में बोला गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हैज 80 मीटर लेंथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है जो कि 80 मीटर लेंथ है, यहाँ लिख देते हैं 80 मीटर। उसके बाद बोला है ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि ये कितना है, 48 मीटर है। थ्री रोड्स ईच ऑफ वाइड 2 मीटर पासिस थ्रू द फील्ड। तीन रोड को पास करना है, कितना रोड है, थ्री रोड है। सच डैट टू रोड्स आर पैरेलल, दो रोड पैरेलल है, यानी कि यहां से एक रोड होगा ऐसे और यहां से एक रोड होगा ऐसे। पैरेलल टू द ब्रेथ एंड टू रोड्स आर पैरेलल टू ब्रेथ एंड थर्ड रोड पैरेलल टू लेंथ। अच्छा, दो रोड जो है पैरेलल टू ब्रेथ है, दो रोड क्या है, पैरेलल टू ब्रेथ है। ब्रेथ कौन सा है, ब्रेथ ये है, इसके पैरेलल ये एक रोड बनाए थे, यहाँ पे एक और रोड बना देंगे, दो रोड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे देख सक समझ सकते हैं, ये वाला जो रोड होगा वो यहाँ पे होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक हो गया क्या, एक यहाँ पे हो गया ये वाला पार्ट, ये और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, इस तरह का हो गया। थर्ड रोड, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द थ्री रोड्स। तो ये जो तीनों रोड, ये जो ग्रीन साइन किया गया है, ग्रीन वाला साइन, इसमें जो एरिया कवर किया गया वो बताना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। तीन रोड है, तीनों का नाम दे दिया। अब अगर हम लोग बात करें पहला वाला R1 के बारे में, तो R1 में क्या होगा, R1 में हम लोग देख रहे हैं, इसको हम साइड में यहाँ पे फिगर बना लेते हैं फिर से, जैसे कि यहाँ पे बना लिया, ये है R1, ठीक है। इसका नाम क्या देता है, इसका नाम दे देते हैं R1, ये है R1, ठीक है। इसमें बात करें तो इसका जो ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ ये वाला पार्ट है, ये कितना है, 48 मीटर। ये जो ब्रेथ है, ये वाला ब्रेथ, ये तो लेंथ हो गया, इसके इसके लिए रोड के लिए लेंथ हो जाएगा। इसका ब्रेथ कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर, हर रोड का 2 मीटर है, इसीलिए हर रोड का 2 मीटर। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है ये वाला पार्ट का, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इन टू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना है हम लोग के पास, 48 है, और ब्रेथ कितना है, 2। तो R1 का और R2 का दोनों तो सेम ही होगा, कैसे सेम होगा, दोनों क्या है, दोनों तो एक ही दूसरे की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो R1 और R2 इक्वल है, इसका मतलब है जो R2 होगा वो R2 कितना होगा, ये वाला पहले R2 R1 निकालते हैं, 96 आ रहा है, R2 भी 96 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट का, मतलब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक, ऐसे समझ लेते हैं इसको, इरेज करते हैं, 160 आएगा शायद, देख लेते हैं, ये है, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, कि ये वाला जो ब्रेथ है वो तो 2 मीटर ही रहेगा, बट ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है 80 मीटर। तो हमको पता है इसका कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 2 × 80 यानी कि 160 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया, टोटल बोला था। अब टोटल में क्या करेंगे, R1 R2 और R3 को ऐड करेंगे, ऐड करने पता चल रहा है 96 और 160 ऐड होगा, बट एक प्रॉब्लम है क्या, ये जो है ये कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कॉमन है, तो दो बार कॉमन आया। अब कॉमन है तो कितना कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट बात करते हैं, कॉमन रोड, कॉमन रोड कितना होगा, 2 × 2 होगा, कौन सा पार्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट का, ठीक है। इस पार्ट को सर्कल से, ठीक है, दूसरा वाला भी दे देते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला कितना आएगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, क्लियर। दो पार्ट आ रहा है यहाँ पे, दोनों पार्ट को हम सर्कल कर दिए हैं ब्लैक से, ठीक है। ये दोनों एरिया को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, मतलब अलग से छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब क्या होने वाला है हम लोग का, 2 × 2 + 2 × 2 यानी कि 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि ये जो भी वैल्यू आएगा उससे माइनस करना होगा 8। तो 2 × 2 × 2 क्यों किया, 2 × 2 × 2 क्यों, ये पहला वाला पहला सर्कल के लिए है, जो पहला सर्कल है वो एक तरह का स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी एक दूसरा स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का 2 × 2, दूसरा स्क्वायर का 2 × 2, दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम, इसलिए 2 × 2 2 × 2, तो ये 4 और 4 हुआ, ये 8 हो जाएगा, 8 को माइनस किया, इस दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और 8 माइनस कर देंगे, तो 96 कितना होता है,
9 9 18 और 19, 194। तो 194 प्लस 160 माइनस 8, इस दोनों को ऐड करते हैं, 452, ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा, 324 होगा, ठीक है। 354 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इससे माइनस कर दिए तो 346 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 6 और 6 कितना होता है, 6 और 6 120, मतलब 12 होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 2। अब 2 के साथ जब बात करेंगे तो ये वैल्यू भी यहाँ पे गड़बड़ होगा, यहाँ लिखेंगे क्या 2। अब 2 के साथ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8, तो 6 और ये हो जाएगा 44। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का।